फाइनली हमारे पास स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होता है जिसकी प्रॉपर्टीज आपको पहले से ही पता होती है। जैसे स्क्वायर बोला है तो आपको पता है सारे एंगल 90 डिग्री हैं और साइड्स इक्वल होंगी। रॉम्बस बोला है तो आपको पता है साइड्स इक्वल होती हैं और आपको ये पता है डायगनल ऑफ द रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। तो वो सारी प्रॉपर्टीज यूज करके हम बना सकते हैं। तो स्पेशल केस में पहले वाला कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। सो नाउ यू ऑलरेडी नो, बेसिकली जब हम पहले क्वाड्रिलेटरल बना रहे थे ना, एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए 5 चीजें पता होनी जरूरी है। जो हमने डिफरेंट केसेस करे ना, कई बार हमें 2 एंगल और 3 साइड, या 3 साइड या 2 एंगल, या फिर हमें 4 साइड और 1 डायगनल, ये पता होना चाहिए था ना जितने भी हमने कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लग रहा है हमें, ये बोल रहा है कि फाइंड स्क्वायर ऑफ साइड 4, ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज दी है, फिर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करें तो ये बड़ा आसान है। एक्चुअली हमें एक चीज नहीं, 5 चीजें दी है, हमें चारों साइड दी है और हमें एंगल भी दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्केल लीजिए और आप 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। आसान है ड्रॉ करना, यहाँ से स्केल लिया 4.5 सेंटीमीटर, इज इट फाइन। हल्का सा छोटा लग रहा है, इसको एग्जैक्ट 4.5 बनाना, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर का हमने ले लिया, इसको कुछ भी नेम कर दो क्योंकि स्क्वायर एबीसीडी बनाना है। देखो एक रफ फिगर अगर स्क्वायर एबीसीडी का बनाएंगे, है ना, रफली एक ऐसा बना दिया एबीसीडी, ए बी सी डी, सारी साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल 90 डिग्री है। एक्चुअली सारे एंगल भी 90 डिग्री होते हैं ना स्क्वायर में, वही हमें यूज करना है। एंगल 90 डिग्री का बना देना है कहाँ पे, हम अगर ये पहले जो साइड हमने लिया, अगर इसको हम ए बी कह रहे हैं तो एंगल ए 90 बनाइए, बी भी 90 बनाइए। बड़ा ही आसान है। देखो 90 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक ठाक सी रेडियस का ले लिया और इसको, तो यहाँ से आपने ये बनाया, ठीक है। साथ साथ करिए, देखो क्या पता आप हमसे पहले कर ले। तो ये दूसरा एंगल और फिर इसको बाइसेक करना है, 90 और 120 को बाइसेक कर रहे हो, तो यहाँ कहीं एकदम बीच में आना चाहिए आर्क, वहीं पे कट करेगा ऐसे, है ना। और फिर इसको भी यहाँ से लेके इसको भी कहीं बीच में आना चाहिए तभी कट करेगा, ये कट कर दिया। तो ये एंगल जो मिल रहा है आपको, ये होगा 90 डिग्री का। स्केल यूज करते हुए इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री जैसे बनाया वैसा ही एंगल बी भी 90 बनाइए। इस पॉइंट से फिर से हम ऊपर आर्क लगाएंगे। ओहो ये चेंज हो गया, देखो ऐसे चेंज होएगा ना तो कंस्ट्रक्शन गलत हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आपने आर्क लिया है ना, मेक श्योर कि वो आर्क आपने लॉक भी कर दिया, साथ ऊपर लॉक कर दिया कि नहीं कर दिया, फिर उसके बाद वो हिलेगा नहीं। तो दूसरा आर्क आपको यहाँ से लगाना है टक, और आपको जब भी लगे कि अरे यार हिल गया, देखो यहाँ पे थोड़े से कपड़ा हो गए ना, तो जब भी लगे आपको कि यार हिल तो नहीं गया तो उसको चेक कर लो, यहाँ से लेके आओ और लगा के देख लो, चला के देख लो, देखो नहीं हिल गया, नहीं मूव किया है ना। तो फिर दूसरा आर्क आपको लगाना था यहाँ से एग्जैक्टली नीचे और फिर इसको, फर्स्ट सेकेंड एंड बाइसेक करने के लिए दोनों के बीच में एक और आर्क। नाइस। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपको दूसरा लाइन ड्रॉ कर देना है, इस पॉइंट को ज्वाइन करो इसके साथ, ठीक है। अब इसमें 4.5 4.5 कट कर लो, यहाँ से एक आर्क 4.5 सेंटीमीटर स्केल में मेजर करके, टेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, आर 4.5 सेंटीमीटर समवेयर हियर,
बाय बाय, तो यही आर्क क्योंकि आपका बी से सी इधर होना चाहिए ना, सी, तो ये भी 4.5 होगा, एक आर्क लगा दियो। और ए से भी यही इसी रेडियस का आर्क आपको लगा देना है, ये बस चारों पॉइंट मिल गए, आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। ए बी, ये ऊपर पॉइंट आपका सी है, नीचे डी है, और सी और डी को ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। 4.5 cm, ईच साइड इज 4.5 cm, ईच एंगल इज 90 डिग्री, है ना, दिस इज आल्सो 90 डिग्री, एंड दिस इज 4.5 cm, एंड 4.5 cm वी हैव, दिस इज स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ द साइड 4.5 cm हैज बीन कंस्ट्रक्टेड।